तखतगढ़ की नगर पालिका के वार्ड नंबर 22 के निवासी भामाशाह जगदीश रावल की ओर से अपने खर्च से लगाई जा रही थी सौर ऊर्जा लाइट। वर्धमान भाजपा पार्षद ने अपने वार्ड में यह कहते हुए कार्य रुकवाया कि बिना स्वीकृति से वार्ड में सौर ऊर्जा लाइटें लगवाई जा रही थी, जबकि पालिका चुनाव में पूर्व इसी भामाशाह द्वारा 22 नंबर वार्ड में सौर ऊर्जा लाइट लगवाई गई थी, जिसका बकायदा सुमेरपुर विधायक ने आश्वस्त समारोह पूर्वक लोकार्पण किया था। जबकि अभी लगाई जा रही वार्ड वासियों के लिए भाजपा पार्षद ने पालिका में शिकायत दर्ज करवा कर रुकवाया गया। इससे वर्षों से सार्वजनिक रोशन की तकनीकी खराबी आ जाएगी, तो निश्चित रूप से यह सौर ऊर्जा की लाइटें लगाई जा रही है। वार्ड वासियों ने असमंजस में ही कि जनहित के कार्य में ऐसी बाधा उत्पन्न करना उचित नहीं है। पार्षद राजू कुमार का कहना यह है कि नगर पालिका से परमिशन लेकर आए, बाद में आप लगवा सकते हैं। जबकि भामाशाह जगदीश रावल का कहना यह है कि LED लाइट लगा चुका हूं, जिसकी परमिशन नहीं ली थी। इस मामले में भामाशाह जगदीश रावल ने गुरुवार को नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ओम प्रकाश दादिश से मिलकर लाइट लगाने के लिए आग्रह किया, तो अधिशासी अधिकारी ने कहा कि शिकायत दर्ज हुई है हमारे पास। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि लाइट लगानी है तो नगर पालिका से परमिशन लेकर लाइट लगा सकते हैं, बिना परमिशन लाइट नहीं लगाई जा सकती। तो वहीं भामाशाह का कहना है कि इसके पूर्व में मैंने वार्ड नंबर 22 में सौर ऊर्जा लाइट लगा चुका हूँ, उस समय किसी से परमिशन की बात नहीं की थी। विधायक जोराराम कुमावत के हाथों से पूर्व में भी लाइटों का उद्घाटन हुआ था, अब किसी बात का नगर पालिका परमिशन मांग रही है। मैं तो लोगों की सेवा कर रहा हूँ, सही मायने में यह सारा मामला राजनीति विरोध भाषा का है। वार्ड निवासी भामाशाह लगवा रहा था सौर ऊर्जा, वार्ड पार्षद राजू कुमावत बगैर परमिशन लगाने का हवाला देते हुए रुकवाया कार्य। उसका इकरार होता है कि लाइट लगाएगी तो उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, बिल आता है उसके बाद सौर ऊर्जा के बाद मेंटेनेंस कौन करेगा बाद में, मैं हूँ नहीं ऐसे उसका इकरार होता है नगर पालिका से। एक मिनट था, पहले भी मैंने तीन लगे सर, इंदौर ने घोषणा की थी तीन लगे शहर में लगाओ जी, आप पूरे मेरी बात सुन लो, मैं आप फिर मेरे को बोल देना बोलिए ना साहब, मेरे घर के बाहर भी नहीं लगे, मैंने पब्लिक के लिए लगाई है और पब्लिक के भले के लिए लगाई है, मैंने ऐसे नहीं कि मेरे खुद के लिए लगाई है। जब दौरान सर मैंने ऐसा है कि चुनाव के पहले मैंने अपने 22 नंबर वार्ड में घोषणा की थी कि मैं आपको 16 लाइट लगाऊंगा, मैंने 5 सिरों 16 लाइट तो लगा दी थी वो उस गली में सुधारों की गली में, और इधर अभी 2-3 दिन पहले मैं रामदेव जी की गली में लाइट लगाने जा रहा था तो मुझे पार्षद मिला कि आप ये लाइट नहीं लगा सकते। मैं कि क्यों भाई, तो आपने क्या बोला कि परमिशन लेके आओ, तो मैं बोला परमिशन आगे भी नहीं लिया हुआ मैंने, तो अब मैं परमिशन लेने की क्या जरूरत है, और ये क्या कितना बड़ा पोल है, छोटा सा 2 इंच का पोल है उसमें साइड में लाइट लगाने का, इसमें परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती है। मैं लोगों की भलाई के लिए लगा रहा था और इस पार्षद ने रोक दी और पार्षद ने वो तुड़वाया और 2 इंच पाइप के लिए उसने पूरा JCP मंगाया नगर पालिका से, तो क्यों नगर पालिका को खर्चा नहीं होता, इतना बोला हमको बोला होता तो हम ही उठा के फेंक देते। आपने आज नगर पालिका ईओ साहब से भी मिलकर आए थे तो ईओ साहब ने क्या कहा? हाँ साहब, ईओ साहब से मिले, ईओ साहब ने बहुत बढ़िया बात कही हमारे को कि आप परमिशन लेके करो, हम आपको परमिशन देंगे, लेकिन वो मेरे को परमिशन देंगे तो मैं लगा दूंगा, इसमें कोई वादा नहीं है। लेकिन जो पार्षद ने जो बोला है ना क्या इलेक्शन के खड़ा होने के लिए लगा रहा है, ये सब गलत बात है। मैं तो पहले से भी सहयोग करता रहा हूँ, MLA के टाइम में भी मैंने सहयोग किया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है साहब। लाइटें लगाई हुई थी उन्होंने भामाशाह द्वारा, कौन सी लाइटर, कौन से भामाशाह? सौर ऊर्जा लाइटें लगाई थी चुनाव के पहले 22 नंबर वार्ड में, आपको शिकायत। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, अभी जो लग रही थी 1-2 दिन में यदि पालिका के बिना अनुमति कोई भी कार्य होता है तो उसे रुकवाने का मुझे अधिकार है। सर शिकायत आई थी क्या? शिकायत आई थी, शिकायत के आधार पर ही काम रुकवाया गया, इसलिए नहीं कर रहा था। बाकी विरोध करने का कारण ये हुआ कि जब मुझे वार्डवासियों ने बताया कि नगर किसी भामाशाह द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा जो राजनीति चमकाने के लिए वहाँ पोल लगा रहे थे, तो मैंने वहाँ जाके पूछा मैं कि अगर आपके पास परमिशन हो तो लगाए, क्योंकि नगर पालिका में अगर कोई अगर नल कनेक्शन लेने भी जा रहा था उसकी भी परमिशन ली जाती है, तो मैंने कहा आप परमिशन हो तो ला कर लगा लो, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्या वो पोल लगेगा, उसकी अगर कल उठ के किसी को जान आनी मान आनी हुई तो उसका जिम्मेदार कौन, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या, वो लाइट लगा रहे उसकी वापस ठीक कौन करेगा, तो मैंने कहा परमिशन हो तो आप लगवा दूंगा, बिना परमिशन मैं काम होने नहीं दूंगा।
नहीं, पहले भी उन्होंने लाइट लगवाई थी तो उनके तो उस समय तो विरोध नहीं हुआ, एमएलए साहब द्वारा उनका उद्घाटन किया गया था। पहले लाइट लगाई थी उन्होंने, उस समय इलेक्शन के पहले थी, उनको इलेक्शन लड़ना था, वो निर्दलीय लड़ भी चुके हैं मेरे सामने और जनता ने जो रिजल्ट दिया वो सबके सामने है। पहले उनको लाइट, उन्होंने इलेक्शन उनको टिकट लेना था और इन्होंने कहा कि अगर साहित्य तक इस कार्यक्रम से माध्यम से अगर मैं मुझे अगर जनता मेरे को समर्थन करेगी, बाकी उन्होंने लगवाई पहले इलेक्शन के पहले थी जो मेरे, मैं पार्षद बनने के बाद में मैं अनलीगल काम मेरे वार्ड में नहीं होना दूंगा। इसका मतलब देश भावना से आप ये कर रहे हो कार्रवाई? नहीं, देश भावना से नहीं, आप नगर पालिका से परमिशन लेके विधिवत तरीके से काम किया जाए तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है।